2008 के केस में गए थे, मर्डर केस में, और 15 साल 3 महीना 18 दिन के बाद हम जेल से बाहर आए हैं। कलेक्टर पासवान, हमारा नाम है उर्फ गुरफेकन पासवान। 15-16 बरिस जेल हो गया हमारा। हम गांव वाला जिसके साथ गलती हुआ मैडम, उसको भी हम बार बार प्रणाम करते थे। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन को 27 अप्रैल को सुबह 4:30 बजे जेल से रिहा कर दिया गया। बिहार की नीतीश सरकार ने नियमों में बदलाव कर आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया। आनंद मोहन पर आईएएस अधिकारी और तत्कालीन जिला अधिकारी की हत्या के मामले में जो आनंद मोहन है वो आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। आनंद मोहन के साथ 26 और अपराधियों को रिहा किया गया, लेकिन उनकी चर्चा मीडिया में उतनी नहीं हुई। सारा अटेंशन आनंद मोहन की रिहाई पर आकर अटक गया। आज द प्रिंट आ पहुंचा है बिहार, जहां से हम उन कुछ कैदियों की कहानी आप तक साझा करेंगे। इन कैदियों में 13 कैदी मुस्लिम और यादव समुदाय से आते हैं और 7 कैदी ऐसे हैं जिन्हें 2 साल तक हर महीने अपने नज़दीकी थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। इन्हीं में से एक हैं कलेक्टर पासवान उर्फ गुरफेकन, जिनसे आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं। भोजपुर जिले के बेलौर गांव में कलेक्टर पासवान उर्फ गुरफेकन 13 साल की उम्र में जेल गए थे। अब 17 साल जेल में बिताने के बाद उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि घर पर उनका मन नहीं लग रहा है। पुरानी कहानी तो जेल की कहानी बहुत है, कहाँ कहेंगे। जेल में तो गए थे, जाने के पहले डर लगता था। जेल के अंदर में रहते 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 मतलब आदत हो गया था और मन लग गया था। यही बात है, और कौन बात नहीं। सब जेलर सुप्रिटेंडेंट भाई हमारा का मान किया था, हमारा कभी कहा था कि तुम्हारा कभी नौकरी भी दे सकते हैं। नीतीश कुमार के कागज आया था कि नौकरी दे देंगे, किसी कोनो बात होगा मेरा भी फोन करना है। यही बात बोला, और कोनो बात नहीं है। सब अच्छा है, परिवार लोग सब अच्छा है, बाकी निकलने के कारण एकदम मिजाज हमारा हंसने लगा एकदम बढ़िया से, अच्छा से। बड़ी खुशी था हमारा जब आया था कागज ना बोर्ड से, बड़ी खुशी था हमारा, बड़ी खुशी था हमारा। खुशी इतना था ना कि अब हम निकल जाएंगे, हम नहीं रहेंगे, हम निकल जाएंगे। बहुत अच्छा था हमारा खुशी। और सब कोई क्या, सारा बंदी लोग हमारा हाहाकार मचाया कि हमारा भाई जा रहा है जेल के अंदर में। बहुत अच्छा से हमारा रखा है लोग, ऐसा बात नहीं है। जेल में बहुत अच्छा से रखा है लोग, कुछ खाने पीने का कोनो दिक्कत नहीं दिया है लोग, बहुत अच्छा से रखा लोग। बाकी सरकार हमारा के बहुत सेवा किया है। यहाँ पे जब आप आए तो क्या क्या खाने में अच्छा अच्छा बनाया, क्या क्या हुआ? खाने में बनाया पूड़ी और सेवई और भुंजिया मिला। गरीब आदमी के कहाँ मिलेगा। हम लोग का तो घर द्वार देखते हैं कि सब लोग जीते लोग, तो हमारा घर द्वार अभी नहीं बना है, कुछ नहीं बना है। देख लीजिए यहाँ घर पर फोटो है, कर लीजिए। आपको लगता है अगर जेल नहीं आप जाते तो बनवा देते? हाँ बनवा देते, हम कहाँ रहेंगे। अभी शादी हमारा नहीं हुआ है। तो क्या आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? आगे का प्लानिंग है कि अब मुखिया उखिया सब कह के बनवाएंगे, खूब अच्छा से रहेंगे, किसी से बोलेंगे नहीं किसी से चलेंगे, अब अच्छा से रहेंगे और घर द्वार बनवाएंगे, सरकार के फंड निकलवाएंगे। ये कैदी जब छूट कर लौटे तो इन्हें देखने सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। आसपास के लोग देखना चाहते थे कि इतने साल जेल में बिताने के बाद जब कोई घर लौटता है तो कैसा लगता है। आज 16 साल से जेल में सड़ रहा था, उसका परिवार भूखमरी के कगार पर था। उसके पिताजी हाय बेटा करते हुए स्वर्ग को सुधार गए। उसकी माँ लंगड़ी है, किसी तरह से भीख मांग कर अपने बच्चों का गुजारा कर रही थी। तो ये तो एक अच्छे ग्राम के वासी होने के नाते हम लोगों को खुशी होगा कि आए अच्छे से अपने जीवन को गुजारें। जो परिवार में इनका छोटा भाई है, उसके छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, उनकी ये सेवा करें और अच्छी से अपनी जिंदगी को बिताएं। रिहा हुए लोगों में लखीसराय के अशोक यादव भी थे, जो 2 लोगों की हत्या के आरोप में जेल गए थे। जेल से वापस लौटने पर उन्होंने 3 मंदिरों का दौरा किया और पूरे गांव में लगभग 200 किलो मिठाई बांटकर जश्न मनाया। बहुत कुछ आता था मैडम, अब दिमाग में बेटा बेटी पत्नी खेत पथार घर दुआर गांव समाज के लोग जो है सब दिमाग में नाचने लगा। परिवार जितना हित नाता बहन बहनों पप्पा मौसा। जब जेल गए तो कितने साल के थे आप? 32-33 साल के होंगे मैडम। जब जेल से छूटे तो जेलर साहब ने क्या
क्या आपको सलाह दी और जब आए तो कैसा माहौल था, क्या क्या हुआ आपके स्वागत में? हुआ स्वागत में जो होने था से हुआ, क्या क्या हुआ बताइए। आदमी लोग सब आया, सबसे प्रणाम पाती मिले जुले, पूजा पाठ किए। कितने मंदिरों का दौरा किया आपने? 3 मंदिर का दौरा किया मैडम। पहले गए अशोक धाम, दूसरा गए बाबा आवारिस के पास, तीसरा दुर्गा स्थान। नहीं कोई तो क्या क्या हम गांव वाला जिसके साथ गलती हुआ मैडम, उसको भी हम बार बार प्रणाम करते थे। वहां से भी अगर गलती है, नाम दे दिए हैं तो भी ठीक है, गलती आपसे हो चाहे हमसे हो, लेकिन हम उनको बारे कभी बुरा भावना नहीं सोचे हैं, नहीं सोचेंगे, अभी तक तो नहीं सोचे हैं, उम्मीद लगता है कि हम कभी नहीं सोचेंगे, उनको भी प्रणाम करते हैं। क्या क्या जश्न क्या क्या किया आपने, क्या मालाएं वालाएं पहनाई, क्या क्या हुआ थोड़ा उस दिन के बारे में बताइए जब आए थे घर। हाँ तो अशोक धाम गए तो माला उला पहनाइबे किया, घर आए तो जो था पत्नी बेटा सब स्वागत किया, फूल माला फलना चिलना जो पूजा पाठ होता है देवता देवी अपना हुआ। अशोक यादव की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी घर की देखभाल करती थी। इतने साल जब आपके पति जेल में रहे तो आपने कैसे जीवन बिताया और अब जब आ गए हैं तो कैसा लग रहा है? वही सब परिवार देखा, जाल माल है, अपना दिमाग से काम किया, 3 बच्चा के पढ़ाए लिखाए आगे बढ़ाए। आपने सोचा था कि वापस आएंगे? हाँ सोचबे करते कि जो हमारा मन में है भगवान का ध्यान करेंगे तो कभी इच्छा पूरा करवे करेगा। तो आप हमेशा भगवान से मांगती थी? जरूर कि हमारे पति वापस जी। आपको कब पता चला था कि आने वाले हैं? वही सब कागज जो सबका घूर गया, इनको कागज रह गया था। आप जेल में जाती थी मिलने के लिए? जी 1-2 महीने में जाते थे। तब इन्होंने बताया होगा कि हम छूट के आ रहे, तो आपने तैयारियां करनी शुरू की हुँ। जी क्या क्या तैयारियां की थी आपने? वही आरती उरती के तैयार किए हैं, माला वाला मंगवाया। अभी आगे क्या योजना है? अभी इतने साल आप अलग रही अपने पति से, तो अब क्या घूमने जाएंगे कहीं पे कि नहीं? हाँ जरूर करेंगे, वैष्णो माता जाएंगे। 45 के शिवजी यादव भी रिहा हुए कैदियों में शामिल है। शिवजी यादव जो कई सालों से बाहर निकलने का सपना देख रहे थे और अब बाहर निकलने के बाद वह लखनऊ में जूते की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। बाहर जाने का तो खुशी होता है सबको, हम भी खुश हुए और जितना जल्द चाहे कि जेल से हम निकल जाए, किसी को रोकने से भी नहीं रुके, हम जेल में 24 तारीख को निकल गए और जेल में तो बस दुखी है, सुख तो हम मिलता नहीं है, चाहे कितना हो अच्छा खाना मिले परिवार से भेंट नहीं होता है, तो जेल में कोई भी व्यक्ति रहना नहीं चाहता है। हाँ जेल भी गया था तो रात में 2:30 ही गिरफ्तार गया था और घर भी वापस आए तो 12 रात में ही आए, और हम वहाँ से घर जेल से निकलने के घर वाले किसी को बताए नहीं थे कि हम आ रहे हैं, हम अचानक घर पहुँचे। तो अभी आगे की क्या योजना है? ये आगे की योजना है अपना फैक्ट्री बनाना है, एक पार्टनर है, वो सारा काम देखे हैं, अब आगे जो भी हो पार्टनर सही से चला तो काम होगा, नहीं तो फिर दूसरा काम देखेंगे। बिहार से नूतन की रिपोर्ट।